वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली। सो गाइज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ओल्ड क्वेश्चन पेपर सिलेबस सब आपको इसमें मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट में हम 1 से 15 तक डिस्कस कर चुके थे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो। ये पार्ट टू अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया है। पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। SO2 की ब्लीचिंग गुण इसके कारण है, यानी कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 ड्यू टू इट्स अम्लीय गुण, अपचाय गुण, ऑक्सीकारण गुण या फिर सारे गुण, एसिडिक प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या फिर बेसिस प्रॉपर्टी, कौन सा राइट ऑप्शन होगा गाइज कमेंट में, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आपको कमेंट में बताना है ना। तो यहाँ से शुरुआत कर दो आप, तो लगा दिया टिक, तो चेक ना, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपचाय गुण की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज का राइट ऑप्शन होगा। जिन जिन का सही था बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइज, जिनके 12 तक 12 क्वेश्चन सही निकल रहे तब तक तो आपकी कंडीशन ठीक है, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि पूरे में से पूरे सही जाने के लिए अभ्यास करो कि 15 में से 15 सही जाए, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, न्यूमेरिकल है थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, रफ लिख के बैठाओ करो, थोड़ा सा पेज लेके कि 273 के पर 1.01 मोल विलय प्रति लीटर विलयन के प्रासन दाब वायु में है, यानी कि ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन काउंटिंग 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर एट द, बताइए ये आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। मैंने हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो फॉर्मूले याद कर लो आप, जिन्होंने कर लिया होगा बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको आप रफ पेज पर भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो आप रफ पेज पे करके उसके बाद आपका जो आंसर आए वहाँ से इनसे मैच करा लेना। जिनका मैच हो गया किसी वन से तब तक तो आपका ठीक है, यानी कि आपका जो ये सवाल है वो सही बैठ जाएगा। तो करो, रियलिटी में करोगे तो आपको फ़ायदा है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर भी करके भी आप कर सकते हो और अपने उसके बाद आंसर मैच करा सकते हो। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0.1 मल्टीप्लाई 0.08205 मल्टीप्लाई 273 डिवाइडेड 1, ठीक है। चलते आगे की ओर, यानी कि ये वाला हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक औपचारिक तत्व है द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम पोटेशियम ब्रोमीन मैग्नीशियम। सबसे अधिक औपचारिक तत्व कौन सा है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पोटेशियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे हल्की गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइजेस्ट गैस, यानी कि सबसे हल्की कौन सी, नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सही सही से बताना है गाइज, कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं, ठीक है। इससे प्रैक्टिस हमारी अच्छी होगी और आपके लाइक सब्सक्राइब अच्छे देखने को मिलते हैं, तो वीडियो तो आपको इससे भी ज़्यादा रोजाना मिलते रहेंगे। फिक्री छोड़ दो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, तो ठीक है, डबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे बस लाइक और सब्सक्राइब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लोसिव, यानी कि निम्न में से कौन सा विस्फोटक है, लेड नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट प्लस एल्यूमिनियम पाउडर या फिर नाइट्रोबेंजीन या फिर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अमोनियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम पाउडर,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड हास्य गैस कही जाती है? विच ऑफ द फ्लोविंग नाइट्रोजन ऑक्साइड इज कॉल्ड लाफिंग गैस? NO, N2O3, N2O या फिर N2O5। हास्य गैस किसको बोलते हैं गैस? लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, जिसका उपयोग मूवी होती है ना, मूवी, और वो उसी जगह पुलिस फोर्स भी करती है। मूवी में किसी को हंसाना है या फिर कई भीड़ हो गई वहाँ पर उसको लिंकेज करना है, तो कौन सी गाय जो है? टिक लगा दिया, रियली में आपको टिक लगाना है, उसके बाद आंसर देखना है। सो गाय जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका N2O, ठीक है, आपका हास्य गैस कही जाती है। अगला है, निम्न में कौन सा पुरातात्विक निष्कर्षणों के साथ डेंटिंग में प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोविंग इज यू इन डेंटिंग? ऑप्शन आपके सामने, कार्बन, यूरेनियम, फेरस, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, किसको प्रयोग मिलाया जाता है? सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बन 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी धातु कभी कभी प्रकृति मूल रूप से पाई जाती है? विच ऑफ द फ्लोविंग मेटल इज सम टाइम फाउंड नेटिव इन नेचर? कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या फिर आयरन? गाइज आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे, कितनी मेहनत, व्यूज अच्छे आने चाहिए, तो इससे भी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, बट व्यूज आने चाहिए, ठीक है। तो व्यूज के लिए वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, ताकि यूट्यूब इनको प्रमोट करे और हर बच्चे तक ये पहुंच पाए। टिक लगा दिया होगा आपने, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आयरन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस कम से कम रासायनिक अभिक्रियाशील क्रियाशीलता दिखाती है? विच ऑफ द फ्लोविंग गैस शो द लास्ट केमिकल रिएक्टिविटी? अमोनिया, ऑर्गन, मीथेन या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड? सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑर्गन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च का उपयोग निशान के पता लगाने के लिए संकेत के रूप में किया जाता है? स्टार्च कैन यूज इंडिकेटर फॉर द डिटेक्शन ऑफ ट्रेकोप, यानी कि रक्त में यूरिया, रक्त में प्रोटीन, जले विलयन में ग्लूकोज, जले विलयन में आयोडीन। और गाइज मैं आपको बता दूँ, बी एस नर्सिंग में इतना सारा स्कोप है, इतना सारा कि अगर वीडियो बनाऊँ ना मैं तो आधे घंटे की भी कम पड़ जाए, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में देख लो, प्राइवेट सेक्टर में देख लो, बिजनेस सेक्टर में देख लो, हर सेक्टर में, टीचिंग सेक्टर में देख लो, मेडिकल सेक्टर में देख लो, यानी कि कहने की बात है कि कहाँ स्कोप नहीं है, हर जगह है, किसी भी सेक्टर में देख लो आप, ऊपर एरोप्लेन में देख लो, मिलिट्री में देख लो, इधर टीचिंग में देख लो, इधर क्लिनिकल में देख लो, कहीं पर भी आपको खाली जगह, रेलवे में देख लो, पुलिस फोर्स में देख लो, शहरीकरण इलाकों में देख लो, ग्रामीण इलाकों में देख लो, हर जगह स्वास्थ्य की जरूरत आज किसको नहीं है, आप ही बताओ। स्वास्थ्य की ज़रूरत हर इंसान को है, क्योंकि आज तरह तरह के, आज का वातावरण कितना ख़राब हो चुका है, प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, आपका एयर पोल्यूशन हो रहा है, हर चीज़ पोल्यूशन हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है, तो बीमारियाँ बढ़ रही है, तो इसीलिए बी एस नर्सिंग का स्कोप बढ़ चुका है, और आने वाले समय में तो इतना सारा बढ़ जाएगा कि आपकी डिमांड हाई हो जाएगी। तभी तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो रोजाना, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज में कितने भी मजे करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी तो पढ़ना होगा आपको। सो आपने टिक भी लगा दिया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जलीय विलयन में आयोडीन, ठीक है। स्टार का उपयोग निशाने के पता लगाने के लिए जलीय विलयन में आयोडीन से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम प्रथम आयनन विभव वाला तत्व है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरॉन।
द एलिमेंट विद द हाइस्ट फर्जन आयन प्रोटीन पोटेंशियल इज। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा है तो टिक लगाना तो बनता है। और आपके लिए हमने जीके MCQM के चैनल भी ओपन कर रखा है, उसको फॉलो कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहाँ पर भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। सो इसका टिक लगा दिया, चेक ना उसका राइट ऑप्शन नाइट्रोजन होगा, ठीक है। उच्चतम प्रथम आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। चलते आगे की ओर। दूध को कोलाइडल प्रणाली है, मिल्क इज कोलाइडल सिस्टम इन विच। वसा में पानी प्रक्षिप्त होता है, एक दूसरे में वसा और पानी प्रक्षिप्त होता है, वसा पानी में प्रक्षिप्त होता है, वसा घुली है। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वसा पानी में प्रक्षिप्त होती है, फैट इज डिस्पर्स इन वाटर, राइट। सही है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम साइनेट या यूरिया को गर्म करके हमें मिलता है, क्या मिलता है? बायोरेट, अमोनियम नाइट्रेट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बायूरेट, ठीक है। अमोनियम साइनेट या यूरिया को गर्म करके क्या मिलता है? बायूरेट मिलता है। और जिन जिन का सही था बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन का सही नहीं था तो जीके MCQM के चैनल को बार बार देखो ताकि वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि वहाँ पर हम प्रैक्टिस करवाते हैं आपकी, और यहाँ पर भी आपकी इंग्लिश और हिंदी में प्रैक्टिस हो रही है। तो आपके लिए इतनी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो आपको भी तो करना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन है, NiCO4 में Ni की ऑक्सीजन अवस्था है। गाइज बीएसएनसी का स्कोप इतना सारा है कि बेरोजगार कोई नहीं रह सकता बीएसएनसी करने के बाद, ये तो पक्का है, ठीक है। 2048 क्या आएगा इसका राइट ऑप्शन? सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0। अगला क्वेश्चन है, ये तो सबका जानना चाहिए, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांच एक है, ग्लास इज ए, पारदर्शी कार्बनिक बहुलक या फिर अतिशीतलित द्रव या फिर लिक्विड या फिर टॉस, क्या क्वेश्चन है? बहुत अच्छा। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अतिशीतलित द्रव, ठीक है, ये होता है हमारा ग्लास एज। और इसी प्रकार आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो GK MCQM के चैनल दिया हुआ है इसको फॉलो कर लीजिए ताकि वहाँ पर भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहे आपकी तैयारी के लिए। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और रोज़ाना वीडियो मिलते रहेंगे आपको, डोंट वरी। ओके, धन्यवाद।